जी सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राणा रामेश्वर उच्च विद्यालय में आपके पास में कौन सी समस्या है सर? हमारे सामने मुख्य समस्या जो है वो भवन का है। आप देख रहे हैं जैसा कि भवन सब गिर गया है और बाउंड्री वाल जो है इसकी समस्या है। बिल्डिंग नहीं रहने के कारण, चार दीवारी नहीं रहने, क्या समस्या आप लोग का दिक्कत होता है? हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो भी वृक्षारोपण किया जाता है उसे बाहरी जानवर आकर खा जाते हैं तथा बाहरी लोग आकर यहाँ पे कुछ दंगे भी कर देते हैं, जैसे चापा कल कबाड़ कर ले चले जाते हैं। आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? छात्र हमारे यहाँ 9th क्लास में 136 लड़के हैं और 10th क्लास वाले तो सेंटअप कर गए हैं, 149 लड़के थे। इस समस्या समाधान के लिए आपने कोई संघर्ष किए थे? हाँ, इस समस्या के समाधान के लिए मेरे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस विषय वस्तु पर जा कर के मिले कि मेरे यहाँ इसकी अत्यधिक समस्या है, इसके चलते बच्चों को पढ़ाई बाधित हो रही है। अन्य ग्रामीण जनता भी आ करके यहाँ पर बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि बगल में भट्ठा वाले भी कक्षा के दौरान ही आकर के बरामदे में अपना विश्रामालय समझ करके आराम करते हैं। प्रधानाध्यापक जब मिले तो केवल आश्वासन ही मिलता है कि इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन हम 9 साल से देख रहे हैं इस विषय वस्तु पर कोई पहल नहीं। बाउंड्री नहीं रहने के कारण विद्यालय की ताला तोड़ दिया जाता है तथा चापाकल चुरा लिया जाता है एवं बाहरी लोग आकर शौच को गंदा कर देते हैं एवं क्षतिग्रस्त कर देते हैं। चार दीवारी एवं भवन नहीं रहने के कारण यहाँ सभी बच्ची भी नामांकन नहीं करा सक पाते हैं। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है, कृपया वीडियो देख करके स्थानीय विधायक अशोक सिंह के मोबाइल नंबर 9481074565 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि यहां समस्या का निदान हो सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महुआ, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।